हमारे जमाने में 8वीं में संस्कृत नहीं हुई, 8वीं तक के नहीं थी संस्कृत। तो बाद में मैं जब मैट्रिक की परीक्षा देना था तो संस्कृत देना हमारे जाते थे, हम दोनों मास्टर एक साथ थे, तो तहसीलदार की ओर चले गए और भौतिकवादी हो गए। आज से 20-25 साल पहले वो चले गए, खूब पीने लगे। हाँ हाँ, एक बार मैं 85-86 में मैं छिंदवाड़ा का दौरा किया, बिन बसेरे दुबे आने वाले थे बिहार से जी जी, मुझे काला झंडा उस समय BJP में था तो दिखाने के लिए गया था। फिर बुलवाया मैंने, बताया कि मेरी नई मोटरसाइकिल को उठा के लेके मैं खाली तो पियो पड़े रहो। हाँ हाँ, और नौकरी छोड़ने के बाद उसने शराब छोड़ी और ख़त्म हो गया। अच्छा, मैंने फिर भाई उसका रिएक्शन तो होगा जी जी, डायलिसिस वगैरह कराते रहे और 20-25 साल पहले ख़त्म, दोनों क्लास फेल। अच्छा अच्छा, और हम आज हाँ 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 हम स्वस्थ हो जाएंगे। हमने डॉक्टर को बोल दिया कि मुझे आगे जांच नहीं कराना है। मैंने डॉक्टर ने कहा अभी क्या कुलदीप सोलंकी जी कि आप 10 दिन के बाद आ जाइए, आपको बेहस करके आपकी बड़ी आँख की जांच करनी पड़ेगी। मैंने डॉक्टर को कहा मैं आराम हो जाऊँगा, आप चिंता न करें। अरे साला सब जगह जब ठीक है, एक ही जगह गलती होगी क्या? ठीक बात, आत्मविश्वास हो गया मुझे। हाँ, सब ठीक है तो सब एक ही जगह सब ठीक है, सब ठीक है माने सब ठीक है। तो धीरे 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 मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, हम गांव की ओर चले, लोग बाग शहर की ओर जाते हैं, विदेशों का दौरा करते हैं, और भी तो कोई पद्धति होगी। जाओ ना राहुल गांधी जी फिर से चले जाओ, 6 महीने के लिए क्या हो, इनके पास गया था ये मलेशिया वगैरह में कहीं बौद्धों के पास या किसके पास। हाँ हाँ हाँ, एक विद्या होती है ना, क्या विद्या है, यहाँ कोटा के पास लिख रहा था ये। अच्छा, वो 6 महीने में ये जो आज बोलता है वो 6 महीने का देन है। अच्छा, जो अज्ञात वक्त रहा। अच्छा, वो अपने तरीके से वो बौद्धिस्ट होते हैं वो लोग, और अपने तरीके से भोजन देंगे सब कुछ करेंगे, और उसमें एक आत्मचेतना जागे होती है, प्रायश्चित या नहीं प्रायश्चित नहीं है, इसी प्रकार का है कुछ उसका विपस्यना। हाँ, याद आ गया जी जी, विपस्यना जी। तो क्यों तुमको अभी विदेश ही जाना था, तो तुम एक बार और विपस्यना जाते हैं। हाँ, जो कुछ भी बोल रहा है बौद्धिक तर्क आया है। हाँ हाँ, जो भी है, जैसे आज उल्टा सीधा कुछ भी बोलता है, जैसे अभी मोदी को कह दिया वो मैं जानता हूँ। हाँ हाँ, क्या चीज़ है वो मैं जानता हूँ। मैंने उसमें ईसा से 300 साल पहले अरस्तु ने लिख दिया जी कि जब जनता असंतुष्ट होने लगे तो पड़ोसी देश से तनाव पैदा कर जी जी, यह युद्ध कर। हाँ हाँ, जनता सबके सब देशभक्ति की प्रवाह में बह जाएगी जी जी, और आप जाओगे तो अपने साधन पर जी जी, राजनीति के हैं। हाँ हाँ, ना पुलवामा हुआ है ना बालाकोट हुआ। हाँ हाँ, ये ऐसी है देशभक्ति जगा दो जागरे। तो बहुत से लोग जानते हैं इसको, अपने लोगों को खुद मार करके पुलवामा बना दिया, बालाकोट में साले फरस्ती लोग कहाँ गए। जैसा भी हो तुम्हारे साथ हो, पायलट को रख लिए थे उसे वापस कैसे कर दिए, बेचारा जो ज़्यादा वापस नहीं हो रहा है जी जी, पर पायलट वापस हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, राजनीति साली इतनी ख़राब है, गंदी है, समझिए कि मैंने कितने धूत होते हैं जी जी, किस तरीके से अपनी सत्ता में बने रहते हैं, पूरा के पूरा देश क्या समझे हो, देशभक्ति की राह में चल के 100% अध्यक्ष को भी बैलेट पेपर से वोटिंग करा रहा है, नगर निगम और नगर पालिका का क्या अंतर पड़ता है देखने से।